तुम्हारे कुछ भी सोचने से पहले मैं एक मैटर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक ट्विटर अकाउंट है माय टाइम टू शाइन हेलो नाम से जहाँ पर 1 जनवरी 2022 को इस बंदे ने चेन ऑफ ट्वीट्स की जहाँ पे उसके एक दोस्त ने दी फ्लैश मूवी को टेस्ट स्क्रीनिंग में देखा जो कि उसके आधार पर इसका कहना है दी फ्लैश मूवी जैक स्नाइडर की हर एक मूवी को इरेज कर देगा मतलब की मैन ऑफ स्टील बैटमैन वर्सेज सुपरमैन और जस्टिस लीग कभी भी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का पार्ट होंगे ही नहीं फ्लैश मूवी इन सारी कहानियों को डीसी यू की कॉन्टीन्यूटी से मिटा देगा और जो की एफलेक और कैवल दोनों ही चले जाएंगे

डॉट वाली वंडर वूमे अभी भी डीसी में एग्जिस्ट करेगी जिसपे रिप्लाई किया हाँ जो कि इस बात का सेंस भी बनता है क्योंकि पब्लिक ने गैल वाली वंडर को कभी हेट नहीं किया क्रिटिसिज्म अपनी जगह है मगर हम सब उसको दिल से चाहते हैं पर्सनली मैं तो काफी ज्यादा खैर अपनी शक्ति बनाए रखते हुए बवाल बहुत बड़ा हो चुका है पब्लिक गरमाई हुई थी स्टूडियो के ऑफिशियल से जवाब मांग रही थी इसमें शजाम मूवी के डायरेक्टर ने मौके का मजा लेते हुए उन्होंने एक एम्बिग ट्वीट किया क्वेश्चन मार्क के साथ कि क्या शजाम जस्टिस लीग ज्वाइन कर रहा है 2022 की शुरुआत काफी अच्छी खबर के साथ हुई अब भाई शजाम मूवी के डायरेक्टर का ऐसा ट्वीट करना कि ये बात हो सकती है कि इस बंदे को सच में कुछ नहीं पता या फिर ये बंदा मार रहा किसी है। कुछ पता नहीं पता की ब्लैक के, के साथ क्या हो रहा है वो एक फंसना चाहते उन्होंने अभी स्नाइडर की सारी पिक्चर देखी है और शजाम उसी हिसाब से बनाया गया है वो इन सारी इवेंट्स के हिसाब से रियल लगे लेकिन डीसी के खिलौने भी तो एग्जिस्ट करते हैं ऐसा उन्होंने कहा जो हम सब गुरु जानते हैं कि भाई सुपर हीरो मर्चेंडाइज के लिए स्टूडियो

आई मीन yeah, I mean, ना मैंने फ्लैश मूवी को देखा है और ना ही मैंने उसकी अभी तक स्क्रिप्ट पढ़ी so, कहना सही नहीं होगा कुछ भी हो सकता है बताया है कि कोई भी जैक स्नाइडर के माइटी वर्क को मिटा नहीं सकता क्लैरिफाई करते हुए फ्लैश फिल्म न्यूज आंसर देता है की रूमर्स है फ्लैश मूवी नए डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को सेटअप करेगी हालांकि जहां बात रही स्नाइडर यूनिवर्स की वोटिन्यू हमेशा के लिए प्रिजर्व रहेगी क्योंकि वो एक ऐसा सच है जिसको नकारा नहीं जा सकता और फिर क्या इतनी ही बातें थी कि पूरा इंटरनेट इसके ऊपर आर्टिकल्स बना दिया अकाउंट को कोट किया गया डायरेक्टर्स तक के रिप्लाई आ गए मगर फिर भी अभी भी लोगों के मन में एक चोर बसा हुआ है की काश ये कन्फर्मेशन कोई दे दे कोई के स्टूडियो से ही कर दे की हाँ बस एक बार बोल दे की ये सब झूठ है झूठ है ये सब लेकिन गुरु हम सब ये बात जानते हैं कि अगर इससे प्रोडक्शन को पिक्चर के लिए हाइप मिल रही है तो सच चाहे जो कुछ भी हो वो कभी भी कन्फर्मेशन नहीं देंगे वो हमेशा डिनाई करेंगे नो

बड़ी बात है। सच किसी को भी नहीं पता है, है है मगर बात ये कैसे भूली जा सकती है कि गुरु वहीं पे आग लगी हो। तुम क्या सोचते मुझे कमेंट से जरूर बताना और अगर आप 2022 के दो वर्सेस डीसी के मूवी बैटल में आप कौन जीतेगा उसके बारे में आप जानना चाहते हो है की मार्वल और डीसी दो